देखिए जी, कल तक तो कोई केस नहीं था हमारे पास। मुझे कोई कल 8:30 बजे शाम को एक फ़ोन कॉल आया कि कोई इस नाम का बंदा है, वो सऊदी अरब से 10 तारीख को यहाँ दिल्ली पहुँचा और 11 को थना मंडी का एक गांव है खबला, वहाँ कोई पेशेंट है। हिस्ट्री है उसकी ट्रैवल की और खांसी और ज़ुकाम उसको शुरू हो गया है। तो हमने पहले एक्टिव सर्विलेंस टीम के साथ कांटेक्ट किया और आधे घंटे के बाद हमने जैसे हमें फीडबैक मिला एक्टिव सर्विलेंस टीम से कि ये पेशेंट कल के दिन, मतलब कल 13 तारीख को ये सुबह थना मंडी हॉस्पिटल में ये चेकअप के लिए गया। डॉक्टर गुलाम ने इसको देखा। जितना भी प्रिकॉशनरी मेजर्स था, जब हिस्ट्री पता चली कि ये सऊदी अरब का पैसेंजर है, वहाँ का रिटर्न है, उमरा से वापस आया, तो थोड़ी ज़ुकाम की हिस्ट्री और खांसी की हिस्ट्री दी। डॉक्टर गुलाम ने उसको जितना भी पार्ट था, भी एक फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं आप में, तो प्रिकॉशंस लेने, एक तो होम क्वारंटाइन का उसको एकदम प्रोटोकॉल जो है वो समझा दिया, मास्क पहनने के लिए बोल दिया और फैमिली के बाकी कॉन्टैक्ट से उसको आइसोलेट करने की कोशिश की। सर अभी क्या उसके वो बाद यहाँ पे एडमिट है? आज फिर रात को ही हमने डिसाइड कर लिया था। मैंने कहा कि भाई हमारी डेडिकेटेड एम्बुलेंस आ जाएगी, अगर आपकी हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल है सऊदी अरब से, आपकी हिस्ट्री है, फिर आपको ज़ुकाम खांसी है, तो मैं डेडिकेटेड एम्बुलेंस भेज रहा हूँ, तो आप प्लीज़ तैयारी करिए। उनके अटेंडेंट से बात हुई तो आपको हम यहाँ आइसोलेशन में रखेंगे और सबसे ज़रूरी बात है कि आपका सैंपल टेस्टिंग के लिए हमने प्रोविजन करना है। तो पेशेंट थोड़ा रिलेक्टेंट हो गया, फिर मैं रात को तो नहीं आ पाऊँगा, मेरी 60 साल उम्र है, तो सुबह, क्योंकि कंपैरेटिवली मैं ठीक भी हूँ, जैसे वो कह रहा था कि 10 को जुकाम खांसी शुरू हुआ, तो कल की हिस्ट्री बता रहा था कि थोड़ा पहले से मुझे फ़र्क है, तो हमें लगा कि भाई फ्लू हिस्ट्री है, सिर्फ प्रिकॉशंस जो थे स्टैंडर्ड आईपीसी के मुताबिक, प्रोटोकॉल के मुताबिक, वो पहले ही ले रहा था। क्या अभी तो वो अंडर उसमें ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे? सुबह पेशेंट को वहाँ से लाया गया घर से और फिजिशियन के चेकअप के बाद पेशेंट को आइसोलेशन में, उसी पेशेंट को हमने आइसोलेशन में हॉस्पिटल में रख लिया।